जून साल 1901 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पबना जिले में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम उन चार क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में चार क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ अन्य तीन मुख्य क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर साल 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपने अंतिम वचन में कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। 29 जून साल 1893 को प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्म बंगाल में हुआ। उन्होंने एक सांख्यिकी मापक तैयार किया जो एक सांख्यिकी उपाय था। महाल नोबिस ने द्वितीय पंचवर्ष योजना के दौरान औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की जो बाद में राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जाने लगा। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।